46 तक मिलेंगे ऐसी एक हवा है और जनता खुद बोल रही है। इस बार मैं ये नहीं कहूँगा कि वो जीरो पे रहेंगे, कुछ ना कुछ उनको मिलेगा जो बागी लोग हैं, लेकिन हमारी जो गठबंधन की पार्टियां हैं वो मैक्सिमम सीट लेकर वो बीजेपी को हराएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने चंद गारंटीज दिए हैं, जैसा कि हम कर्नाटक में दिए थे, हिमाचल में दिए थे, अपने तेलंगाना में दिए थे, वैसा ही ऑल इंडिया लेवल पे इंडिया गठबंधन के साथ बातचीत करके, वो तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होगा, लेकिन हमने जो मैनिफेस्टो में दिखाया है कि वो खास करके अमृत नोनी गैस्ट्रिन अपचन एसिडिटी गैस्ट्रबल ह्यापैकी तुम्हाला कुठलाही गैस्ट्रिक प्रॉब्लेम झाला उपाय एकच अमृत नोनी गैस्ट्रिन। नौजवान लोगों को 30 लाख लोगों के जो जगह खाली है वो भर्ती करने का, पहली नौकरी पक्की करने का, और गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा देने का, मनरेगा के तर्ज पर सिटी में अर्बन एरियाज में भी लोगों को काम देने का, और जो खास करके अपने युवाओं को जहां काम नहीं है उनको वहां पर हम ट्रेनिंग देकर 1 लाख रुपए सालाना उनको स्टाइफंड देके हम उनको भी ट्रेंड कर रहे हैं। उसके अलावा जो महिला महालक्ष्मी योजना, ये बड़ी योजना है हमारी, और इसमें 1 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को हम सालाना देंगे, जो मुखिया घर की होती है, सॉरी 1 लाख रुपए। तो उसी तरह 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा हम देंगे, छात्रों का स्टूडेंट लोन भी माफ़ करेंगे, किसानों पर GST पूरी तरह हटा दिया जाएगा, क्योंकि फर्टिलाइज़र पे, ट्रैक्टर पे, जो भी किसानों के इक्विपमेंट्स हैं उस पे हम GST पूरा हटा देंगे फर्टिलाइज़र पे। और आखिरी में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण घोषणा, ये तो आर्थिक राजधानी है हमारे देश की, यहाँ रिजर्व बैंक भी यही है, सब कुछ यहाँ से निकलता है, लेकिन मोदी जी आने के बाद ऐसे शहर को भी उन्होंने निग्लेक्ट किया, और बड़े बड़े जो भी है, मैं समझता हूँ एक बुलेट ट्रेन एक आया होगा, आया क्या, चाललं आहे, पण ते लवकर येणार नाही ते, कारण 10 वर्ष झालंय, पहिल्या वर्षीच त्यांनी केला होता अनाउन्स, आता पण तो आता तिसरं काय चौथं काय त्याला काय मिळणार नाही, पण वो बुलेट ट्रेन की भी बात किए, वो भी नहीं हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट तो इतना बढ़ गया, महंगाई इतनी बढ़ गई, सब चीज़ें, तो इन्होंने जो कुछ कहा वो कर नहीं सके। और अगर हम गठबंधन की सरकार आएगी तो हमारा लोग GST को बदल कर एक सरल सिंगल रेट वाला GST सबके लिए लागू किया जाएगा, वो फायदेमंद मुंबई को भी होगा, व्यापारियों को भी होगा, और कन्फ्यूजन कम होगा। ये हमारी जो मंशा है और ये जो हमने तैयार किया है लोगों के लिए, तो ये हम हमारे आगे आने वाले चुनाव के बाद लागू करेंगे। और मैं ये कहूँगा कि खास करके आज गठबंधन के तरफ सभी लोग देख रहे हैं, और गठबंधन पार्टी के लोग इस बार अपनी सत्ता जमाएंगे और BJP को कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो बहुत कुछ बोल रहे हैं, कल तो बहुत भाषण किए उन्होंने और बहुत से गालियां भी अपोजिशन को उन्होंने दी, तो हर वक्त हमको देशद्रोही बनाते हैं, वो देशभक्त बनते हैं। और दूसरी एक है
कि जो मोदी ने हमेशा बोल रहे हैं कि 5 kg राइस मैं फ्री 80 crore लोगों को दे रहा हूं, तो हम उसको डबल करेंगे आने के बाद। और खासकर जो गरीब लोग, क्योंकि मैं उड़ीसा गया था तो उसी वक्त उड़ीसा और दूसरे जगह जाने के बाद मैं देखा कि ये मिल के हम करेंगे, हम मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में भी इसको लाएंगे और इस बार 5 kg के बजाय 10 kg हम लोगों को देंगे। ये तो फूड सिक्योरिटी एक्ट। फूड सिक्योरिटी एक्ट ने तो हमने लाया, लेकिन ये फूड सिक्योरिटी एक्ट हम लाने के बाद मोदी जी ये कह रहे मैं फ्री दे रहा हूँ। अरे ये तो एक्ट है बनाया हुआ, इसको तो आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम ये जो